नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, लॉकडाउन का समय है और सभी लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। ऐसे समय में बहुत से लोग होते हैं जो सुबह के टाइम पर मॉर्निंग वॉक करते हैं, शाम को इवनिंग वॉक करते हैं, कोई जिम जाता है, कोई योगा करता है, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति में सभी लोग घरों में बने हुए हैं। ऐसे में उनको अपने शरीर को फिट और हेल्थी रखने के लिए आज हम आपको कुछ लाभकारी योगाभ्यास बताएंगे। दोस्तों, इन अभ्यासों को करने से आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में स्टेमिना गेन होता है। दोस्तों, स्टेमिना मीन्स होता है आंतरिक बल। सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि फिजिकल और मेंटल रूप से किसी भी कार्य को लंबे समय तक जारी रखना, यानी इन अभ्यासों को करने से हम अपने शरीर में फिजिकल और मेंटल रूप से अपने को स्ट्रांग कर सकते हैं। और यह अभ्यास आपको नियमित क्रिया के लिए आपके शरीर में अधिक स्टेमिना प्रदान करता है, जिससे कि आप अधिक सक्रिय होकर अपने कार्यों को और अधिक ऊर्जावान होकर कार्यों को कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे वीर भद्रासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे सीधे खड़े हो जाना है, अपने दोनों हाथों को अपने थाइस के पास ऐसे लगा लेना है। फिर आपने अपने पैरों में ऐसे 4.5 से 5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं, या फिर आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार आप जितना स्पेस रख सकते हैं उतना स्पेस रख लीजिए। और फिर आपने अपने राइट पैर को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे मोड़ लेना है और लेफ्ट पैर को 45 से 60 डिग्री के एंगल में ऐसे मोड़ लेना है। अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लेते हैं और अपने राइट क्रीज को ऐसे धीरे धीरे ऐसे बैंड ऐसे मोड़ लेते हैं। अपनी आपकी थाइज ऐसे भूमि के समानांतर बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। फिर इसके बाद आपने अपने शरीर को ऐसे राइट साइड ऐसे मोड़ना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाते हुए दोनों हाथों को ऐसे अपने दोनों बाजुओं को अपने कानों के पास सटाते हुए अपने हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लीजिए और अपने शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर में सहनशीलता बढ़ती है और व्यक्ति का शरीर ऊर्जावान बनता है। हमारे शरीर में चुस्ती और स्फूर्ति बनी रहती है। इसे करने से हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में स्टेमिना गेन होता है। फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के पास भागों में ऐसे फैला लेते हैं और फिर धीरे धीरे अपने पैरों को ऐसे सीधे कर लेते हैं। फिर इसी अभ्यास को हम अब दूसरी तरफ से प्रैक्टिस करेंगे। आपने अपने लेफ्ट पैर को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे मोड़ लेना है, राइट पैर को 45 से 60 डिग्री के एंगल में ऐसे मोड़ लेते हैं। अब आपने अपने लेफ्ट नीज को ऐसे मोड़ना है और आपका यह पैर आपकी थाई भूमि के समानांतर ऐसे रहनी चाहिए। फिर आपने ऐसे अपने हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाते हुए अपने बाजुओं को कान के पास सटाते हुए 10 सेकंड इसी स्थिति में रहिए। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस वीर भद्रासना को आप 4 से 5 बार लेफ्ट और राइट साइड से प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, स्टेमिना और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए हम करेंगे सेतु बंधासन। इसे करने के लिए आप सबसे पहले ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं। ऐसे पीठ के बल सीधे लेटकर आपने अपने दोनों हाथों को अपने थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं। फिर श्वास अंदर भरते हुए आपने अपने शरीर को ऐसे ऊपर उठाकर रखिए। अगर आपको अपने शरीर को ऐसे ऊपर उठाने में दिक्कत हो रही हो तो आप अपने दोनों हाथों को आप अपने कमर के नीचे से ऐसे लगाकर ऐसे अपने हाथों का सपोर्ट दे सकते हैं। अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने कंधों पर ऐसे रखना है। सेतु बंधासन, यह अभ्यास शरीर की फिटनेस के लिए और शरीर में पर्याप्त स्टेमिना गेन करने के लिए बहुत ही अधिक प्रभावशाली होता है। जिन लोगों को अक्सर थकान की शिकायत रहती है, कुछ काम न करते हुए भी शरीर थका सा टूटा सा रहता है, उन लोगों के लिए यह सेतु बंधासन बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर आप 2 मिनट फिर से मेंटेन करके रख सकते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे टखनों के पास ऐसे रख लेते हैं। फिर
धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस सेतु बंधासन को आप नियमित 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे चक्रासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे सीधे लेट जाना है और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं, अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं। लंबी गहरी सांस अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे धीरे धीरे ऐसे ऊपर को उठाने की कोशिश कीजिए। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। इस अभ्यास को करने से शरीर की थकान दूर होती है और जिन लोगों को स्लीप डिसऑर्डर है, इंसोमिया की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए यह चक्रासना बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। नॉर्मल ब्रीदिंग या फिर आप श्वास को रोक कर भी रख सकते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस चक्रासना को भी आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। शरीर में स्टेमिना को बढ़ाने के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे कुर्मासन योग। इसे करने के लिए आप सबसे पहले ऐसे दंडासना पर बैठ जाते हैं। अपनी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी है। फिर आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार आप जितना फैला सकते हैं उतना आपने ऐसे फैला लेना है। फिर आपने अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों के नीचे से ऐसे धीरे धीरे ऐसे अंदर को डाल लेते हैं। फिर लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाना है। अपनी छाती को, अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश कीजिए। इस स्थिति में आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहे। कुर्मासन योग यह शरीर को ऊर्जान्वित करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। इसे करने से हमारे शरीर को आंतरिक बल मिलता है और इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर में चुस्ती स्फूर्ति बनी रहती है। हमारे ऑलराउंड फिटनेस के लिए यह कुर्मासन योग बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। नॉर्मल ब्रीदिंग, फिर धीरे धीरे अपने हाथों को ऐसे बाहर को निकाल लेते हैं और धीरे धीरे ऐसे ही प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस कुर्मासन को आप मेंटेन करके 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इन योगाभ्यासों के अलावा आप कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम को भी नित्य प्रति 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। इन अभ्यासों को करने से आप अपने शरीर में आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में स्टेमिना गेन होता है और आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए यह अभ्यास बहुत ही अधिक प्रभावशाली होते हैं। इसलिए आप अपने 15 से 20 मिनट एवरीडे निकालिए और इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।